नमस्कार, हिमालिनी में आप सभी का स्वागत है। हिमालिनी से मैं हूं अंशुल और आज हम बात करेंगे कोरोना का कहर जिस तरह से बढ़ रहा है तो बेहतर इम्यूनिटी कर सकती है आपको कोरोना से दूर। अगर आपकी इम्यूनिटी मजबूत है तो आपको कोरोना नहीं छू पाएगा। कैसे मजबूत होगी वो हम आपको बता रहे हैं, आप ध्यानपूर्वक सुनते जाइए। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने दावा किया कि रोग प्रतिरोधक क्षमता ही कोरोना वायरस को खत्म कर सकती है। सावधानी बरतने से इससे बचा जा सकता है। डॉक्टर गुलेरिया के अनुसार कोरोना से मौत का खतरा महज 2-3% ही है। इसके मामले अचानक अधिक संख्या में सामने आने के कारण दहशत फैल गई, मगर अब तक कोरोना के जितने भी मरीज सामने आए हैं उनमें से 80% हल्की बीमारी का शिकार हुए और सामान्य दवाओं से ही ठीक हो गए, क्योंकि मरीज की रोग प्रतिरोधक क्षमता ही वायरस को खत्म कर देती है। और डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि चिंता सिर्फ बुजुर्ग मरीजों और कम प्रतिरोधक क्षमता वालों की है। तो हम आपको बता रहे हैं कि आप इम्यूनिटी कैसे मजबूत करें। संक्रामक रोगों से सुरक्षा के लिए विटामिन सी का सेवन करना बहुत फायदेमंद होता है। जैसे नींबू और आंवले में पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को दुरुस्त रखने में मददगार होता है। विटामिन डी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे कई रोगों से लड़ने की ताकत मिलती है। साथ ही हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए और दिल संबंधी बीमारियों को दूर रखने के लिए भी विटामिन डी लेना बहुत जरूरी है। नंबर 3, ओट्स में पर्याप्त मात्रा में फाइबर्स पाए जाते हैं, साथ ही इसमें एंटी माइक्रोबियल गुण भी होता है। हर रोज ओट्स का सेवन करने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। दही के सेवन से भी इम्यून पावर बढ़ती है। इसके साथ ही यह पाचन तंत्र को भी बेहतर रखने में मददगार होती है। नंबर 5, कच्चा लहसुन खाना भी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बूस्ट करने में सहायक होता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में एलिसिन, जिंक, सल्फर, सेलेनियम और विटामिन ए और ई पाए जाते हैं। नंबर 6, आहार में एंटीऑक्सीडेंट की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट बीमार कोशिकाओं को दुरुस्त करते हैं और सेहत बरकरार रखते हुए उम्र के असर को कम करते हैं। बीटा कैरोटीन, सेलेनियम, विटामिन ए, विटामिन B2 व B6, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। इन तत्वों की भरपाई के लिए गाजर, पालक, चुकंदर, टमाटर, फूलगोभी, खुबानी, जोभूल, चावल, शंकरकंद, संतरा, पपीता, बादाम, दूध, दही, मशरूम, लौकी के बीज, तिल आदि उपयोगी हैं। हरी सब्जियों, फलों को विशेष रूप से भोजन में शामिल करें। और सर्दी के मौसम में प्यास कम लगती है पर याद करके दिन में 8-10 गिलास पानी जरूर पिएं। भरपूर नींद लें, तनाव मुक्त रहने का अभ्यास करें। अगर आप प्राय बीमारियों की चपेट में रहते हैं तो इसका अर्थ यह भी है कि आपके शरीर में एंटीबॉडीज कम बन रहे हैं। इसके लिए प्रोटीन को समुचित मात्रा में सेवन किया जाना चाहिए। तो हमने ये बताया आपको अपना इम्यून सिस्टम आप कैसे मजबूत कर सकते हैं, इम्यूनिटी आप कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आप बने रहिए हिमालिनी के साथ।